हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय अ स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ए, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पे जो है एक आपका स्ट्रिंग है और थीटा एंगल पे है, उससे खींचा जा रहा है। ये स्ट्रिंग है आपका, इससे खींचा जा रहा है और ये जो एंगल है आपका थीटा है। तो टेंशन कितना लगेगा आपका? टी लगेगा और इस पे एम जी फोर्स नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इसमें आपका आर ऊपर लगेगा। ये टोटल तीन फोर्सेज हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, जो कि डाउनवर्ड लगा हुआ है। अब देखिए, ये दोनों तो आपका वर्टिकल है, बट जो टी है वो ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इसको ब्रेक करना होगा। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। ये आपने वेक्टर रिजोल्यूशन में पढ़ा होगा। तो अब ये सारे फोर्सेस ब्रेक हो गए। अब हम लोगों को इसमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है टेंशन टी फाइंड आउट करना है और नॉर्मल रिएक्शन आर फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम पहले हॉरिजॉन्टली सारे फोर्सेज को कंसिडर करेंगे। तो जब हम हॉरिजॉन्टली कंसिडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स हैं? सिर्फ एक फोर्स है, वो है आपका टी कॉस थीटा। तो हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट हो गया आपका टी कॉस थीटा, मास कितना हो गया एम और एक्सेलरेशन हो गया आपका ए। तो यहाँ से टेंशन आपका आ गया टी इज इक्वल टू एम ए बाई कॉस थीटा। तो ये आपका टेंशन कैलकुलेट हो गया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग वर्टिकल जो फोर्सेज हैं उनको कंसिडर करेंगे। सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए, अपवर्ड फोर्सेज हैं आपका आर प्लस टी साइन थीटा माइनस एम जी। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों फोर्स, ऊपर वाले फोर्स दो अपवर्ड हैं, एक डाउनवर्ड है, अपोजिट हो गया। इसलिए यदि अपवर्ड फोर्सेज को हमने प्लस लिया तो जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है वहाँ पे माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एम हो गया इंटू वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? जीरो। क्यों? क्योंकि ये मूव तो हॉरिजॉन्टली करेगा। जनरल लाइफ में भी आप ये केस कई बार नोटिस किए होंगे। तो ये टर्म आपका जीरो हो गया। आर प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका एम जी। तो आर इक्वल टू हो गया आपका एम जी माइनस टी साइन थीटा। अब हम टी की वैल्यू को यहाँ से उठा के हम पुट कर देंगे। तो जब हम टी की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू एम जी माइनस टी की वैल्यू क्या है आपकी? एम ए बाई कॉस थीटा और ये हो गया आपका साइन थीटा। तो आर इक्वल टू देखिए एम जी हो गया, माइनस टी की जगह हमने एम ए बाई कॉस थीटा रख दिया और साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हो गया आपका एम जी माइनस एम ए टेन थीटा। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। ये आपका ब्लॉक है और कोई पर्सन जो है इसे एक रस्सी से जो है खींच रहा है और ये जनरल लाइफ में आपने कई बार नोटिस किया होगा। तो जो रस्सी है उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है वो एंगल बना है थीटा, ठीक है। तो हमने टी को
दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा को। एक बार हमने हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया तो, और हमने एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई किया। ये फॉर्मूला जो है लॉज ऑफ मोशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो फिर यहाँ से हमारा टी आ गया, और फिर अब हम वर्टिकल कंसिडर करेंगे। तो वर्टिकल कंसिडर करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई किया और फिर हमने टी की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिया, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें कहीं भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।